हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूं एक न्यूज़ मुझे सुनने को मिली सुबह सुबह, मतलब आज ही देखा है मैंने। आई थिंक अनाउंस कल या परसों हो गया होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की पाकिस्तान में होने वाली है 2025 में, सीसी ने अनाउंस कर दिया है। चलिए देखते हैं कि आखिर न्यूज़ क्या है, किस वजह से, किस लिए और क्यों हुआ है ये। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। वेल, आज का जो टॉपिक है वो क्रिकेट लवर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। और जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं वो भाग के बस मेरे चैनल पर आ जाए, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। वेल, आप लोगों ने जैसा कि सुना होगा, जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको ये इस चीज़ का आइडिया होगा कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान करने जा रहा है। जी, ICC के ऐलामिया के मुताबिक, नेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक ऐलामिया जारी किया है जिसके मुताबिक उसने ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की जिम्मेदारी पाकिस्तान को सौंपी है। 2025 में पाकिस्तान ICC चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी करने जा रहा है। इसके है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, उसने मज़ीद ऐलामी में जो है वो कुछ मुख्तलिफ और ममालिक का नाम शामिल किया, जिसमें जो T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप है उसका, या फिर जो मज़ीद जो आने वाले जो इवेंट्स हैं उसके हवाले से बताया है कि कौन से मुल्क को किस इवेंट की जिम्मेदारियां फर्दर सौंपी जा रही हैं। आप लोगों को इस वीडियो में आगे चलकर मैं ज़रूर बताऊंगी। आप लोगों ने मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक मौजूद रहना है ताकि आप लोगों को तमाम तर अपडेट्स जो हैं वो मिल सके। इससे पेशतर आप लोगों को बता दूँ कि रमीज़ राजा साहब ने कल की ट्वीट में खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि वे पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, बड़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए 2025 की जिम्मेदारी जो है ICC चैंपियंस ट्रॉफी की वो पाकिस्तान को सौंप दी गई है। इसके अलावा अब से कुछ देर कबल रमीज़ राजा साहब जो है PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें किसी भी किस्म की दस्तबरदारी का खदशा बिल्कुल भी नहीं है। इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी और इसके अलावा पिचेस को भी बेहतर बनाना पड़ेगा। अलावा जी, उन्होंने ये भी कहा कि एशिया कप भी पाकिस्तान में हो रहा है और पिछले 8 सालों से छोटे छोटे कदम ले रहे थे, ये उसी का ही नतीजा है। सिर्फ PSL जो है उसने इसमें अहम किरदार अदा नहीं किया बल्कि इसमें दीगर जो है लोग हैं उनका इसमें बहुत अहम किरदार है। खिलाड़ी आते हैं, उनका भी सिक्योरिटी बेहतरीन है। जी, पाकिस्तान जो है वो 2009 के बाद काफ़ी जो है वो बदनाम ज़माना रहा, जब श्रीलंका के ऊपर अटैक हुआ तो ये सोचा गया कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात बेहतर नहीं है। अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड की टीम भी इसीलिए वापस गई थी क्योंकि उन लोगों को कुछ थ्रेट्स थे, जो कि एक फेक थ्रेट चलाया गया था, एक फेक न्यूज़ चलाई गई थी कि न्यूजीलैंड को थ्रेट्स हैं। ऑल दो पाकिस्तान एक बहुत जो है वो पुरअमन मुल्क है और सिक्योरिटी थ्रेट्स कभी भी उन लोगों को नहीं हो सकते जो एज़ अ गेस्ट यहाँ पर इनवाइट किए जाते हैं। वेल, साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बताती चलूँ कि पाकिस्तान को 1996 के बाद ये पहली दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी वो वाहिद इवेंट है जो पाकिस्तान को होस्ट करने का मौका मिला है। 1996 में भी श्रीलंका और भारत के साथ मुश्तरक मेज़बानी की थी पाकिस्तान ने, इससे पहले पाकिस्तान को कभी भी ये मौका नहीं मिला कि पाकिस्तान बाकायदा तौर पर इसी भी इवेंट का की मेज़बानी कर सके। वेल, ICC के ऐलामिया के मुताबिक मैं आप लोगों को बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के जो मेज़बान ममालिक है उसमें 2024 में अमेरिका और वेस्टइंडीज़ होंगे T20 वर्ल्ड कप के, और 2026 में श्रीलंका और इंडिया होंगे, जबकि नामीबिया जो है फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली मरतबा नामीबिया को जो है वो मौका मिल रहा है 2027 अच्छा। में होस्ट करने का, जबकि 2028 में जो T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसको होस्ट करेंगे। यानी कि नामीबिया भी इसी सब में शामिल हो गई है कि नामीबिया को भी फर्स्ट टाइम ये मौका मिल रहा है कि वो T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेगा 2027, जबकि 12 माह बाद चैंपियंस ट्रॉफी भारत में होगी। 2030 में आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में मुश्तरक T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा, जबकि 2031 में वर्ल्ड कप का इनेकाद भारत और बांग्लादेश में होगा। सो ये वो मुफीद मालूम थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए और जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके हवाले जरूर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी भी, लेकिन कुछ सारा कुछ बना ऐसे भी लोग होते हैं कि जो वीडियोस का वेट कर रहे होते हैं, जो अपडेट्स का वेट कर रहे होते हैं, जिनके बिजी स्केड्यूल्स में इतना टाइम नहीं होता कि उनको इन तमाम चीज़ों के हवाले से पता हो सके। बहरहाल, देखना अब ये है कि 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान किस तरीके से करता है। सिक्योरिटी के इंतजाम काफ़ी ज़्यादा सख्त होंगे, ये ऑब्वियस सी बात है, और पाकिस्तान एक काम बहुत करना पड़ेगा यार, क्योंकि देखना ये है कि 2025 की जो बनी होती है ना दुनिया के सामने, कितना ज़्यादा खून गरमाती है हम पाकिस्तानियों का और कितना ज़्यादा जो है वो असर अंदाज होता है ये आने वाले इवेंट्स के लिए।
ऑस्ट्रेलिया जो आ रही है पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया मार्च और अप्रैल के दरमियान में जो अपना दौरा कर रही है, ये भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशाइन बात है। और इसी तरीके के छोटे मोटे जो टूर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया तो एक बड़ा टूर है, लेकिन फिर टूर्स आना और दूसरे ममालिक का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करना, ये बहुत ज़्यादा खुशाइन बात है। और होपफुली कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली दोबारा से हो जाएगी, क्रिकेट दोबारा से रिवाइव होगी इंशाल्लाह, और हमें अब अपने स्टेडियम्स जो हैं वो भरे हुए नज़र आएंगे। और देखना ये है कि ऑब्वियसली दुश्मन ममालिक में जो पड़ोस ममालिक हैं वहाँ पर थोड़ा सा गम गुस्से का इजहार ज़रूर होगा, वहाँ से ज़रूर इस चीज़ को उठाया जाएगा कि पाकिस्तान में जो है वो मैचेस नहीं होने चाहिए या पाकिस्तान जो है वो सेफ कंट्री नहीं है। लेकिन देखना ये है कि पाकिस्तान की हिमायत करने के लिए आईसीसी अब कितना साथ देती, क्योंकि रमीज़ राजा साहब ने भी कहा है कि अगर पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है आईसीसी की। सो देखना यह है कि आगे आने वाले इवेंट्स में पाकिस्तान किस चीज़ की और मेज़बानी कर पाएगा। पाकिस्तान में एशिया कप भी होने जा रहा है और चैंपियंस ट्रॉफी की खबर भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। वेल, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, तो खबर काफ़ी सही है कि चैंपियंस ट्रॉफी, यार पता नहीं कितने साल बाद बताया, 1996 से बताया था इन्होंने शायद, तो 1996 से कितने साल हो गए, 28-29 सालों बाद मतलब कुछ आईसीसी की तरफ से होस्ट करने का मौका मिला है पाकिस्तान को, तो बहुत सही और एक गुड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। और जो आप बदनामियाँ चली हैं दुनिया भर में, न्यूजीलैंड छोड़कर भागा सिक्योरिटी रीजंस, श्रीलंकन टीम पर अटैक वाला सीन जो था, वो पुराने सीन्स जो थे उन पर मट्टी डालने का और उसको मिटाने का, आप कहें कि उस चीज़ को जो एक इमेज बन चुकी थी उसको मिटाने का एक मौका मिला है, और इसमें जी जान लड़ा देगा आई थिंक पाकिस्तान। सिक्योरिटी से लेकर सारी जो होस्टिंग, जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उसको करने के लिए पूरी जी जान लगा देगा, और कार वाली इमेज को जो दुनिया के सामने आ चुकी है उसको मिटाकर एक नई इमेज सामने रखेगा, ऐसे ही कुछ उम्मीद है। और अंदर जो पाकिस्तान में आजकल चल रहा है, आई थिंक गवर्नमेंट का भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, महंगाई वगैरह, और कोई गवर्नमेंट आने वाली है या जाने वाली है, बहुत सारे मसले चल रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर जो आजकल क्रिकेट खुशी दे रहा है वहाँ पर, जो क्रिकेट एक उभर कर आया है ऊपर की तरफ, एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर आए हैं क्रिकेट टीम को, पूरा बोर्ड PCB जो है वो सब कुछ कर रहा है, बाबर आजम की कैप्टेंसी, सब कुछ मिलकर जो है एक खुशी देने की कोशिश कर रही है पूरे पाकिस्तान को, तो वो बहुत सही चीज़ है, पब्लिक को खुशी मिल रही है और क्रिकेट टीम काफ़ी बेटर कर रही है पहले से बहुत ज़्यादा। 5 मैचेस लगातार जीतकर बहुत ज़्यादा एक एक बंदे की खुशी को बढ़ा दिया है, डबल कर दिया पाकिस्तानी टीम ने, तो उम्मीद है कि होस्टिंग बहुत अच्छी होगी, अभी से तैयारी शुरू होगी और बहुत कुछ होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा तैयारियाँ करना पड़ेंगी और वो सब कुछ करना पड़ता है, कोई भी कंट्री हो सब कुछ करना पड़ता है, पाकिस्तान को शायद कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, क्यों चलता आ रहा है पाकिस्तान की इमेज को लेकर दुनिया भर में, उसके लिए थोड़े एफर्ट्स तो ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो आप क्या कहते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी किस तरह से होगी, क्या होस्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है देशों की तरह, या फिर उनसे बेटर कर पाएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं और लाइक करके शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।